आज राहुल जी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे हैं। ये फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। फिर तुमको बोलेंगे बहुत घमंडी हो गया है, जिसका लेना कभी न देना। 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। जो आदमी को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। तुम देखो जो लोग तपस्वी हैं, साधना करते हैं, वो हमेशा एकांत खोजते हैं, और अगर दुनिया में नहीं मिला तो पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए। ये हर आदमी के लिए है ही नहीं। ये चीज हर आदमी के लिए है ही नहीं। कुछ लोग तुम देखो मंदिर में बात करेंगे, बैठ के पूजा चल रही बात करेंगे, मस्जिद में बात करेंगे, क्लास में बतियाते रहेंगे, वो बिना बात किए रह ही नहीं सकते। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। वो कैसा कहां कंसंट्रेट हो रहा हो, तुमको तो भीख मांगना है, तुम क्या कर रहा है ये सब। नहीं नहीं मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। तुम मंदिर में जाके देखो, तुमको 2-3 लोग वहां बात करते हुए मिल जाएंगे। हाँ ऐसा हो गया था, और ये सब आदमी के लिए है ही नहीं। आइसोलेशन का मतलब यह है कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ करने का प्रयास कर रहे हो। जहां तुम अपने आप को इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं रखते, तुम्हें दूसरा आदमी चाहिए। दूसरा मतलब समय काटना, क्योंकि जिसको भी क्रिएशन करना है वो तो अकेले रहेगा। पढ़ना है, सोचना, अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप सारे समाज से झगड़ा कर लें। समाज के साथ रहें, उधार मांगते रहें सबसे, कोई आपसे वैसे ही नहीं मिलेगा। हमसे कोई ज्यादा मिल लेता है, मैं उससे पैसा मांग लेता हूं कि यार 10 लाख रुपया दे दो, वो उसके बाद आता ही नहीं। बहुत सही रास्ता खोजा मैंने। हमसे 2 बार से ज्यादा कोई मिला, मैं सीधे कहता हूं यार 10 लाख रुपया दे दो यार। फिर सोचते 10-12 लोग दे दे तो अमेरिका अमेरिका टहलाएं, क्योंकि वापस तो करना है नहीं। जिसका लेना कभी न देना। लाइव चल रहा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त लोग ज्यादा सुनते हैं बैठ के, यहीं से मैसेज दे देते हैं उनको। फर्जी चले आए, फर्जी, संडे था, सोचे चले ताश खेलेंगे। फिर तुमको बोलेंगे बहुत घमंडी हो गया है, किसी से मिलता नहीं। क्यों मिले? इसलिए तो प्रोटोकॉल बनाया गया राजा के लिए कि राजा जिससे चाहेगा उससे मिलेगा, तब राजा से नहीं मिलेंगे। अब यही तुम्हें इस शहर के एसपी और डीएम से दरवाजा खोल दिया जाए, इनकी इज्जत ही खत्म हो जाए, इसलिए प्रोटोकॉल बनाया गया है। एक किताब है, मैंने कम से कम उसको 20 बार पढ़ा होगा, फिर लेकर आए हैं, और इतनी जबरदस्त किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, बहुत जबरदस्त, उसको मैं कम से कम 20 बार पढ़ चुका हूं, 20, उसको फिर लेकर आए, फिर से नए सिरे से पढ़ना शुरू किया। एंटर किए क्लास में तो फैजल भाई को बोले कि यार इतना मोटा एक प्लेन रजिस्टर चाहिए, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर उसमें से मटेरियल निकालेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर मुझे 10-12 नए पॉइंट मिल जाएंगे। ये जितनी चीजें आज मेरे पास हैं, वो पढ़ाई की वजह से ही तो हैं। जो चीज तुम्हें सूट करने लगे उसको छोड़ो मत, जो भी चीज तुम्हें सूट करने लगे उसको छोड़ो मत। अमेरिका को आइसोलेशन कितने साल का मिला? 135 साल का। इस्तेमाल किया उन्होंने अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया।
इंडिया को एक साल का आइसोलेशन नहीं मिला। 1947 में इंडिया पैदा हुआ, 48 में पहला वॉर, 62 दूसरा वॉर, 65 तीसरा वॉर, 71 चौथा वॉर, और प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। तब भी इंडिया आज दुनिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। अमेरिका को सबसे पहली चीज जो मिली, आइसोलेशन मिली, कितने साल की। अगर तुमसे कोई बात नहीं करता तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्योंकि इस खेल में पढ़ना तो सिर्फ 7-8 घंटे हैं। दिल्ली से इलाहाबाद 200 रुपए की टिकट है जनरल की। किसी भी ट्रेन में बैठो, जनरल में 200 रुपए की टिकट है, और एसी फर्स्ट क्लास की टिकट है 3000 रुपए की। और हवाई जहाज में बैठ के आओ तो 8000 रुपए की। तो वो जो 3000 रुपए ले रहा है ना 200 के बदले, वो तुमको आइसोलेशन दे रहा है 12 घंटे का। उस 12 घंटे में तुम अपने कूपे में बैठकर अपना काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ अपने लिए कर सकते हो। तुम जनरल क्लास में नहीं बैठ सकते। यहां से लंदन का टिकट इकोनॉमी क्लास का 50,000, 60। एमिरेट से चले जाओगे 80। बिजनेस क्लास 2,00,000 रुपए का। वो तुम्हें 10 घंटे का आइसोलेशन देता है। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। तुम देखो, मैं क्लास लेता हूं कहीं भी, मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखता। और अगर मैं फोन रखना शुरू कर दूं भाई साहब, तो क्लास हो ही ना पाए। मैं वॉक करने आता हूं, फोन लेके नहीं आता। फैजल भाई से पूछो, मैं पढ़ाऊंगा। ये फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने तुमको इतना डिस्ट्रैक्शन दे दिया है, इतना, और तुमको उस बात का एहसास नहीं हो रहा। कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, मैंने फोन अंदर रख लिया, वरना मैं इतने दिन से मैं यहां पढ़ाने आता हूं, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा फोन मेरे साथ रहा हो। क्लास में हूं तब तक फोन बाहर रहेगा। ये जो डायनामिज्म है ना, ये डिटैचमेंट से डायनामिज्म पैदा होता है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को अपने शहर से बाहर भेज देते हैं। उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह है, तुम्हारा जो शहर है जहां तुम पले बड़े हो, पैदा हुए हो, वहां 3 लोग हैं, एक तुम्हारे पड़ोसी, एक रिश्तेदार, एक दोस्त। अब वो बहुत जरूरी है लाइफ में। भाई मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी तो तुरंत मेरे जितने दोस्त शहर में मौजूद हैं सब मेरे घर पहुंच गए। तो उनके घर में कोई बात होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, जाना ही पड़ेगा। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं कि तुम्हें शहर से बाहर भेज देते हैं। शहर से बाहर भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा जो सोशल अटैचमेंट है वो खत्म हो जाए। तुम मान लो मैनपुरी के रहने वाले हो, कानपुर में रह के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा समाज तो मैनपुरी में है ना। यहां तुम भेजे गए हो पढ़ने के लिए, यहां तुम्हारा समाज ये क्लास ही है। इस क्लास से बाहर अगर तुम समाज बनाए तो तुम गए। इसलिए जितने लोग शहर छोड़ के चले गए वो बाहर जाके बड़ा पैसा कमाए, बहुत नाम कमाए। मेरे गांव में एक लड़का है, 8th 9th में भाग गया था बंबई, वो और आज की डेट में मेरे शहर का सबसे अमीर आदमी हो। एक फ्लोर फ्लैट नहीं, एक फ्लोर रखा है सिर्फ गोंडा वालों के लिए। एक गाड़ी, एक ड्राइवर मुंबई में, कि गोंडा के लोग आए तो भैया इनको घुमाओ, समंदर वंदर दिखाओ ले आके, और बीच में जाए तो धक्का भी दे देना। इतना पैसा कमाया उसने, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं। जैसे तुम्हारा घर यही कानपुर में, शारदा नगर के रहने वाले, अब यहां तुम ठेला नहीं लगा पाओगे।
यहां तुम मजदूरी नहीं कर पाओगे, यहां सब तुम्हें देखने वाले हैं। जहां डिटैचमेंट है वहां डायनेमिज्म है, ज्यादा समय है, ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा शांति है। तुम व्हाट्सएप खोलो, ट्विटर खोलो, अभी जैसे खोलोगे कोई न्यूज आ जाएगी। ये देखिए, बांदा में दलित युवक को सड़क पर घसीटते हुए, फिर शाम होगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये देखिए, एक ब्राह्मण स्त्री के साथ बदतमीजी करते हुए मुस्लिम युवा, यही सब तो खबर आ रही है, इसके अलावा कोई खबर आ रही? यही आ रही। आज राहुल जी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे हैं, 24 का इलेक्शन भी तो आ रहा है, हैं? हाँ हाँ, खुली वाला। हमें लगा पिक्चर उच्चर बना रहे हैं, पहले हमें यही लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग वूटिंग चल रही है। ठीक है, सब नेता ऐसा करते, कोई वही थोड़ी कर रहे हैं, सभी करते हैं। मोदी जी नहीं करते, वो भी करते हैं, काम करने वालों को जाके पैर धुल रहे हैं, औरतों का पैर छू रहे हैं, वो भी तो यही सब। कौन नहीं करता है? अरविंद केजरीवाल पहुंच गया छत्तीसगढ़ में, एमपी में, कहे मामा को भूलो चाचा आ गया, कहे नहीं, तो सभी करते हैं, वो कोई एक आदमी थोड़ी करता है। पब्लिक इनोसेंट है तो नेताओं को यह सब नाटक करना पड़ता है। पब्लिक जिस दिन समझदार हो जाएगी उस दिन मार के भगा देगी इन लोगों को, भागो यहां से। तुम्हारे बाद जो जनरेशन आ रही है, जो इस वक्त क्लास 12th में है, वो बहुत खतर AI जनरेशन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वो बहुत डेंजरस जनरेशन है। कुछ भी, कोई भी कांड करवा सकती है वो सोशल मीडिया पे। तुम्हारे बाद जो अभी लड़के 12th में है, वो सब बहुत डेंजरस लोग हैं, और वो सब जातिवाद और सब, उनकी जनरेशन जब वोट करने आएगी, मतलब 29-34 का इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन होगा हिंदुस्तान में, शानदार लड़के हैं, पढ़े लिखे सब, दिन भर लैपटॉप पे बैठे हुए, उनकी दुनिया ही अलग है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, पबजी खेल के चल जर्मनी में फेयर कर रहे हैं, इंडिया में स्कोप ही नहीं छोड़े कि यहां मतलब ही नहीं, सब अलग रायता फैलाए हुए हैं।